हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में मैं रजनीश कर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंस की ऑटोबायोग्राफी के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही नायाब इंसान थे और इनका हमारे विश्व में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर साबित हुए। तो दोस्तों, देखते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्टीफन हॉकिंस का जन्म। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस के बर्थ के बारे में बात कर लेते हैं आज हम। स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। स्टीफन के पिता एक चिकित्सक शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे। तो दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था और स्टीफन के पिता जो थे वो एक चिकित्सक शोधकर्ता थे जिनका नाम फ्रैंक था। इनका नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम ईसोबेल था। इनकी मम्मी का नाम जो था वो एसोबेल था, जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बतौर एक सचिव के रूप में काम करते थे। ये लोग दोनों एक ही जगह पे काम करते थे, इनके मम्मी पापा, तो वहीं पे इनकी मुलाकात हुई। हॉकिंस के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कार्य करने के दौरान हुई, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली। इनके 4 बच्चे हुए। इनके कुल 4 बच्चे थे जिनका नाम है स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड। एडवर्ड जो था वो इनका गोद लिया हुआ बच्चा था, यानी कि स्टीफन जो थे वो सबसे बड़े थे, फिर फिलिपा, फिर मैरी और फिर एडवर्ड थे। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। स्टीफन जो थे वो बचपन से बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन इनकी फैमिली जो थी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली थी। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी जिसकी जिसके लिए इनको कई बार स्कॉलरशिप के सहारे भी रहना पड़ता था। ये स्कॉलरशिप के सहारे ही इन्होंने सारी अपनी स्टडीज पूरी की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टीफन हॉकिंस के मदर फादर की फोटोग्राफ है। पढ़ते हैं दोस्तों आगे। स्टीफन हॉकिंस की शिक्षा, इनकी स्टडीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टीफन हॉकिंस की शिक्षा। स्टीफन हॉकिंस 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। यहाँ पे इनको क्या मिला? इनको फिजिक्स विषय मिला इनको। जिस वक्त इन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया उस वक्त उनकी आयु जो थी महज 17 वर्ष की थी। दोस्तों देखिए, इस टाइम ये 17 इयर्स के हो चुके थे। अब आगे आगे देखिए, इनकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी उनकी जो एक बीमारी थी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उनका बढ़ने वाला था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टीफन को गणित विषय में रुचि थी। उनको स्टीफन जो थे वो गणित पढ़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में उस टाइम ये विषय नहीं होता था। यानी कि स्टीफन को गणित विषय में बहुत रुचि थी और वो इस विषय में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिकी विषय चुनना पड़ा। तो दोस्तों, जब इन्होंने ये भौतिकी विषय चुना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो जब इनको डिग्री वाले इयर्स थे, इनके 2 साल तो बहुत ही स्लो गए, इनको बहुत ही बोर लगता था वहाँ पे, बहुत ही बोरिंग लगता था। लेकिन तीसरे साल में आते आते इन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी स्टडीज हासिल कर ली थी। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे इनकी स्टीफन्स की जो थी सेहत वो बिगड़ने लगी। इनको डॉक्टरों ने कह दिया था, 21 साल के जब ये होने लगे तो इनकी सेहत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने इनको कह दिया था कि इनको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिस बीमारी का नाम है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो दोस्तों इनको जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था जिसकी वजह से इनकी सेहत बिगड़ने लगी और इनको दोस्तों डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये 2 साल तक ही अपना जीवन जी पाएंगे और इनका धीरे धीरे शरीर के हिस्से जो है वो काम करना बंद कर रहे थे। ये धीरे धीरे कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते थे, कभी ये चलते चलते गिर जाते थे, पर इन्होंने अपनी ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाई। पर धीरे धीरे इनके पेरेंट्स को पता चल गया और फिर वो अब इनको जो है हॉस्पिटल लेके गए, तब इनको ये इस
बीमारी के बारे में अपने पता चला। स्टीफन हॉकिंस आम लोगों की जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष के जब स्टीफन्स हुए, तब इनकी सेहत जो थी वो बिगड़ती हुई पाई गई। इनके पिता इन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, जिस वक्त स्टीफन्स को इस बीमारी के बारे में पता चला, उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमारी होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री 1965 में पूरी कर ली। पीएचडी में इनकी थीसिस का एक शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपॉन्डिंग यूनिवर्स भी था। स्टीफन हॉकिंस का विवाहित जीवन, अब बात करते हैं इनके मैरिड लाइफ के बारे में। स्टीफन हॉकिंस का वैवाहिक जीवन, जिस साल स्टीफन्स को अपनी बीमारी के बारे में पता चला, उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जेन वाइल्ड से हुई थी। तो दोस्तों देख लीजिए, इनकी इनकी दो शादियां हुई थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था जेन वाइल्ड। हॉकिंस के इस बुरे वक्त में जेन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। ये दोस्तों 1965 की इनकी जेन वाइल्ड्स के साथ फोटोग्राफ है। जेन और हॉकिंस के कुल 3 बच्चे थे और इनके नाम थे रॉबर्ट, लूसी और तिमोथियस है। हॉकिंस की ये शादी 30 सालों तक चली और साल 1995 में जेन और हॉकिंस ने डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद हॉकिंस ने एलिन मेसिन, ये एलिन मेसिन के साथ इनकी फोटोग्राफ है, से विवाह कर लिया और साल 1995 में हुई ये शादी 2016 तक चली। स्टीफन हॉकिंस का कैरियर, बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंस इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने इसमें शोधकर्ता के रूप में यहाँ पे कार्य किया। उन्होंने साल 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली पुस्तक, अकेडमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम्स लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद साल 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में शामिल किया गया। देख लीजिए दोस्तों, इनको 1974 में रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के रूप में भी कार्य किया और साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ अपनी सेवाएं दी। वहीं इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकेडमिक पद है। ये जो इनको पद मिला था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध अकेडमिक पद है और इस पद पर इन्होंने 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिंस को मिले पुरस्कार और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। स्टीफन हॉकिंस के पास कुल 13 मानद डिग्रियां हैं, 13 मानद डिग्रियां हैं इनके पास। साल 1966 में स्टीफन हॉकिंस को एडम्स पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस पुरस्कार के बाद इन्होंने साल 1975 में एडिगटन पदक और साल 1976 में मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज मिला। हाइनीमान पुरस्कार हॉकिंस को साल 1976 में दिया गया। इस पुरस्कार को पाने के बाद इन्हें साल 1978 में एक और पुरस्कार से नवाजा गया और इस पुरस्कार का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल। साल 1985 में हॉकिंस को RAS गोल्ड मेडल और साल 1987 में डिराक मेडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल भी दिया गया। इसके बाद सन 1988 में इस महान वैज्ञानिक को वुल्फ पुरस्कार भी दिया गया। प्रिंस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड भी हॉकिंस ने साल 1989 में अपने नाम कर लिया। इस अवार्ड को मिलने के कुछ समय बाद इन्होंने एंड्रयू ज़ेमेंट अवार्ड 1998, नायलोर पुरस्कार और लेक्चरशिप 1999 भी दिया गया। साल 1999 में जो अगला पुरस्कार इन्हें मिला, उसका नाम लिलायनफेल्ड पुरस्कार था और रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की तरफ से इसी साल इन्हें अल्बर्ट मेडल भी दिया गया।
तो दोस्तों देखिए 1999 में ही इन्हें अल्बर्ट मेडल भी मिला था। अवार्ड्स के बारे में इन्होंने कोपले मेडल 2006 में, प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 में, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज 2012 और BBVA फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड 2015 में भी दिया गया। तो दोस्तों इनके पास अनगिनत उपलब्धियां, अनगिनत डिग्रियां, अनगिनत पुरस्कार थे स्टीफन हॉकिंस द्वारा किए गए कार्य। अब बात कर लेते हैं इनके एफर्ट्स के बारे में। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी लॉ पर कई शोध किए हैं। हॉकिंस ने अपने साथी रोजर पेनरोज के साथ मिलकर एक शोध किया और दुनिया को बताया कि अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए और एक ब्लैक होल के भीतर ही समाप्त होंगे, एक ब्लैक होल के भीतर ये समाप्त हो जाएंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंस ने यह भी निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है बल्कि उत्सर्जन विकिरण करता है। इसके अलावा हॉकिंस ने यह भी प्रस्ताव किया कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से यह भी पता किया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। स्टीफन हॉकिंस ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, बहुत सारी इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज लिखी थी, तो बात कर लेते हैं उनके बारे में। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, हॉकिंस द्वारा लिखी गई सबसे पहली पुस्तक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये किताब बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी, यानी कि बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर यह पुस्तक डिपेंड थी, आधारित थी। और 1988 में प्रकाशित हुई ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है, ये 40 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। द यूनिवर्स इन अ नटशेल, ये किताब साल 2001 में प्रकाशित की गई थी और हॉकिंस द्वारा लिखी गई इस किताब को साल 2002 में इवेंटिस प्राइस ऑफ साइंस बुक्स मिला था। द ग्रैंड डिजाइन, हॉकिंस द्वारा लिखी गई द ग्रैंड डिजाइन किताब साल 2010 में प्रकाशित हुई। इस किताब में अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई थी, ये किताब काफी सफल साबित हुई। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स, ये किताब 1993 में आई थी और इस पुस्तक में हॉकिंस द्वारा ब्लैक होल से संबंधित लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों का जिक्र था। दोस्तों ये ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स जो किताब थी वो साल 1993 में आई थी। इसके अलावा हॉकिंस ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं जिनका नाम है जॉर्ज और द बिग बैंग था, ये किताब साल 2011 में आई थी। स्टीफन हॉकिंस पर आधारित मूवी, दोस्तों स्टीफन हॉकिंस पर एक मूवी बनी थी जो साल 2014 में बनी थी। इन पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के सभी संघर्षों को दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरह से इन्होंने अपने सपने को पूरा किया। स्टीफन हॉकिंस की संपत्ति के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन का खुद का एक घर है और इस वक्त उनके पास कुल संपत्ति 20 मिलियन डॉलर की है। उन्होंने ये संपत्ति अपने कार्य, पुरस्कारों और किताबों के जरिए हासिल की है। बात करते हैं इनकी डेथ के बारे में। स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु, हॉकिंस लंबे समय से बीमार चल रहे थे, एमरियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हीलचेयर पर ही बिताए हैं। वहीं 14 मार्च 2018 76 वर्ष को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली। तो लास्ट इनकी सांस, अंतिम सांस जो थी इंग्लैंड में उन्होंने ली और इस दुनिया से इन्होंने विदाई ले ली। लेकिन वैज्ञानिक में इनके द्वारा किए गए किसी योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, इनकी हमेशा सराहना की जाएगी। दोस्तों इसी बात पे स्टीफेंस ने कहा था, मृत्यु निश्चित है लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वे हम पे निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों इनको जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये सिर्फ 2 साल तक जिएंगे, लेकिन तब भी ये इन्होंने हार नहीं मानी और अपना सफर आगे चलाया और लोगों के सामने एक मिसाल के तौर पर साबित हुए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने, तब तक के लिए गुड बाय।